कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंपेयर करूंगा दो ऐसे फेमस वेट गेनर और मास गेनर जो कि मार्केट में काफी ज्यादा अभी के टाइम फेमस है। आप लोग भी एक बार को अगर सोच रहे हो लेने को तो ये वीडियो देख लें। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कंपेयर करने वाला हूँ MB के सुपर गेनर डबल XL को साथ में GNC के वेट गेनर को। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, अभी आपको सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा वाला गेनर परचेज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि मैं आप लोगों से बात करूँ दोनों ही ब्रांड के, दोनों ही काफी ट्रस्टेड ब्रांड है मार्केट में। दोनों के वे प्रोटीन आते हैं, अदर सप्लीमेंट आते हैं, BCAA आते हैं, प्री वर्कआउट आता है और यहाँ पे गेनर की बात तो हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा बेहतर है अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, यहाँ पर दोनों ही ब्रांड अपने आप में प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड करती है आपको सप्लीमेंट की। इनका दावा ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताया तो इनका दावा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं जो कस्टमर यूज करता है उसका फीडबैक अलग होता है, ठीक है। अगर मैं कस्टमर बन के बात करूँ तो यहाँ पे मैंने GNC के कुछ प्रोडक्ट यूज करे हैं, मैंने प्री वर्कआउट इसका यूज करा है, मैंने गेनर यूज करा है, वे प्रोटीन यूज करा है, GNC का परफॉर्मेंस वे यूज करा है जो आता है, और इसका मैंने यूज करा है GNC का क्रिएटिन जो कि हो गया 3-4 बॉक्सेस हो गए मैंने यूज करा, उसकी वीडियोज भी मैंने बनाई है। मसल ब्लेज की बात करें तो मसल ब्लेज के मैंने रैथ प्री वर्कआउट यूज करा है, मसल ब्लेज का सुपर गेनर और एक इसका एक और आता है गेनर डबल XL और ब्लैक गेनर यूज करा है, और बाकी इसका जो वे प्रोटीन है वो सब यूज करा है। इनकी सबकी रिव्यू मैंने आपके सामने चैनल पे डाल रखा है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब एक चीज आपको मैं बता दूं क्लियरली, आप कोई भी जब सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन या कोई भी चीज लेते हैं, वो उसका मतलब ऐसा नहीं कि भैया कि बॉडी के अंदर क्या उसने आपको फुला दिया। जो बॉडी फूलती है, जो बॉडी का साइज बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा इनहेंस दिखती है बॉडी, साफ सीधी बात है भाई, उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बाहर से सॉल्ट से स्टेरॉइड्स वगैरह बॉडी के अंदर गए, तभी बॉडी का साइज इतना बढ़ता है। आप खुद सोचिए, आप डेली 10 रोटी खा रहे, तो 10 रोटी खाने का मतलब अगर आप कितनी भी रोटी है, 10 रोटी खा रहे, एक कटोरी भर के चावल खा रहे, आने वाले फिर तो आप 2-3 महीने में जानवर बन जाएंगे, हाथी जैसा शरीर हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। बॉडी जितना फूड आपकी न्यूट्रिशन जितनी आपकी बॉडी की जरूरत होती है उतना सोखते हैं, उसके बाद बाकी फ्लश आउट करते हैं, और बाकी जो दुगना तिगुना साइज होता है वो ड्रग्स लेने के कारण होता है, बाहर से वो जाता है। प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे वो आपको बड़ा नहीं करेगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करेगा, और हाँ आपकी बॉडी में जाहिर सी बात है साइज बढ़ेगा, मसल्स बढ़ेंगे। आप ऐसे नहीं कि भाई आज कुछ है 2 महीने बाद कुछ और होंगे, मसल्स इंक्रीज होंगे डे बाय डे धीरे धीरे, और वो जो प्रोग्रेस है वो ग्रेजुअली हो गया। आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई 2 महीने बाद मिला और ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा, पर हाँ होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, MB के सुपर गेनर डबल XL के बारे में बात करें, मसल ब्लेज के सुपर गेनर डबल XL के बारे में, तो यहाँ पे आपको पर सर्विंग में लगभग जो मेन हाइलाइट्स है मैं आपको बताऊं, 15 ग्राम आपको प्रोटीन देखने को मिलता है, लगभग 75 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है पर 100 ग्राम में। वही आपको GNC में पर 100 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन देखने को मिलता है, और यहाँ पे 80 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, 80 से 85 के बीच में। मतलब इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़े ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और मसल बेस के अंदर कम कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ट्रेजेडी की बात यह है कि भाई यहाँ पर जो कैलोरीज है, यहाँ पर आपको मसल बेस में थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है, 350 के आसपास, और वहीं पे आपको GNC में कैलोरीज 375 किलो कैलोरीज आपको देखने को मिल रही है। मतलब 10 कैलोरीज कम आपको GNC में देखने को मिल रही है पर सर्विंग में। अब इसका मतलब क्या है, देखिए दोस्तों साफ सीधी बात है, यहाँ पर कुछ मिनरल्स, कुछ एसेंशियल विटामिन्स, कुछ एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि होते हैं सप्लीमेंट्स के अंदर, दोनों के अंदर, वो किसी में कम है किसी में ज्यादा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए इससे फर्क पड़ने का मतलब ये है कि भाई जिस सप्लीमेंट के अंदर जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं वो आपकी बॉडी में इजिली डाइजेस्ट हो सकता है। इसका मतलब यह कि भाई मसल ब्लेज के अंदर थोड़ी सी चीजें ज्यादा है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो उसको और अच्छा बनाते हैं, थोड़ा डाइजेशन के लिए उसके अंदर कुछ चीजें पड़े, तो कहीं ना कहीं उनमें कैलोरीज एड ऑन होती हैं, और जो विटामिन्स मिनरल्स और जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी है ये सब एक ही होते हैं। तो यहाँ पर भाई जितने भी होते हैं ये सारी चीजें थोड़ी सी ज्यादा मिलती है हमें मसल ब्लेज में, और यहाँ पर GNC में हमें थोड़ा कम मिलता है। अब आप कहेंगे भाई मैंने GNC की इतनी बढ़ाई पुरानी वीडियोस में करी, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी, भैया यहाँ पर जी हाँ बढ़ाई करी है, वो अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को तो कोई इशू नहीं हुआ। अब यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन हो रहा है सामने से ऑन पेपर वाला, मतलब पेपर क्या कहते हैं यहाँ पे यही चीज कहते हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ मिक्सिबिलिटी की, तो मिक्सिबिलिटी भाई यहाँ पर GNC की थोड़ी सी मेरे को बेहतर लगती है। भाई मसल ब्लेज वाले में जो मिक्सिबिलिटी है आती है, उसका जो टेक्स्चर है वो भी ठीक ठाक आता है, पर जो ज्यादा स्मूथ मिक्सिबिलिटी है जिसको कहते हैं बिल्कुल क्लीन, वो मेरे को भाई GNC की अच्छी लगी। मसल ब्लेज में हाथ थोड़ा सा कह सकते हैं भाई मिक्सिबिलिटी में को उतनी अच्छी नहीं लगी। फ्लेवर की ऑथेंटिसिटी, मतलब फ्लेवर कितना ऑथेंटिक है, तो भाई यहाँ पर GNC वाले को मैं इसमें प्लस पॉइंट दूंगा, क्योंकि भाई फ्लेवर की एक्यूरेसी मेरे को इसमें ज्यादा अच्छी लगी।
मीठा जिसको बहुत ज्यादा पसंद है उसके लिए मसल बेस काफी अच्छा रहेगा भाई। मिठास रहती है ठीक है, दोनों में रहती है क्योंकि भाई दोनों में माल्टोडेक्सिन होता है दोनों प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी चॉइस कैसे। भाई मेरे को इसकी जो मिठास है ठीक लगी, ऐसे नहीं कि भाई बहुत ज्यादा लगी, ठीक ठाक है। मसल बेस थोड़ा सा ज्यादा स्वीटर साइड पे, अगर आपको पसंद है बिल्कुल आप ले सकते हैं। अब बात करी जाए कि भाई यहाँ पे प्राइसिंग की, तो देखिए प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट की लगभग 100, 200, 300 रुपए का फर्क आपको दोनों देखने को मिलता है। यहाँ पे 5 kg का बॉक्स आपको MB सुपर गेन डबल XL का लगभग 4200 यानी 4300-4400 का आपको देखने को मिलेगा। वही सेम GNC की बात आपको बकेट भी ऐसे ही देखने को मिलेगी 3300-3600 की तो नहीं, 3700-3800 या 4000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। डिस्काउंट पर डिपेंड करता है क्या डिस्काउंट चल रहा है अभी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे या Amazon वगैरह पे आप देख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत फर्क ही आपको देखने को मिलता है। या कभी कभार तो ये आपको दोनों प्रोडक्ट लगभग सेम प्राइस में भी देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है दोस्तों ऑफर के ऊपर, मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता क्योंकि देखिए प्राइसिंग की बात की तो प्राइसिंग फ्लक्चुएट करती रहती है। आप बोलेंगे भाई मैंने अभी कुछ बताया भाई उतना तो वहां मिल रहा है, देखिए ऐसा नहीं है, प्राइसिंग फ्लक्चुएट करती है, इसका मैं आपको ट्रस्ट नहीं दे सकता। बाकी ब्लोटिंग इशू दोनों में से किसी का भी नहीं है, बाकी दोनों को आप कंज्यूम कर सकते हैं वाटर के साथ, मिल्क के साथ बहुत बढ़िया रहता है। और डेली आपको मास डिनर की सर्विंग 100 ग्राम स्टार्टिंग में लेने होगी, बाद में आप इसको एक्सीड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी डेली रिक्वायरमेंट कर। अगर आपको वेट ज्यादा गेन करना है, अगर आपकी डाइट से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पा रहे कैलोरी, तो आप मास डिनर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर विनर अगर बात करें तो क्लियर विनर मेरी तरफ से तो भाई GNC है अगर दोनों को कंपेयर करा जाए। और बाकी वैसे देखा जाए दोनों में क्या कोई बड़ी दिक्कत है, नहीं। चॉइस की बात करें तो मेरी पर्सनल चॉइस GNC रहेगी, सेकंड चॉइस मेरी मसल ब्लेज रहेगी, मैं ऐसा करूंगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, मैंने तो आपको चीजें बता दी दोस्तों, जो जो चाहिए थी मैंने आपको गिनवा दी सब कुछ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पैसे, मैंने कोशिश करी कि भाई आपके पैसे सही जगह लग जाए और दोनों के दोनों सही है, ऐसा नहीं कि भाई कोई खराब है। चॉइस की बात होती है, मैंने अपनी चॉइस आपको बता दी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। कोई क्वेश्चन नहीं कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा।